इस वक्त हम खड़े हैं ब्रज की देहरी कहे जाने वाले हाथरस शहर में, और हाथरस शहर में दाऊजी महाराज का प्रांतीय लक्खी मेला का आयोजन चल रहा है। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं ब्रज की एक ऐसी मिठाई जो केवल दाऊजी महाराज के मेले में ही मिलती है। अगर आपको ये मिठाई खानी है तो या तो दाऊजी महाराज के मेले में आइए या फिर अगले साल का इंतजार करिए। इस मिठाई का नाम है खजला, जो केवल इस मेले आयोजन के अवसर पर ही बाजार में उपलब्ध होती है, और तमाम दुकानें इस खजले की मिठाई की लगाई जाती हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग इस मेले आयोजन में शामिल होते हैं, हजारों लाखों लोग जो आते हैं, वो इस मिठाई को बेहद ही पसंद करते हैं। आखिर इसकी मिठास का राज क्या है और इसकी रेसिपी क्या है, ये हम आपको बताएंगे उन लोगों से जो इसको सालों से बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस मिठाई को तैयार कैसे किया जाता है, जिसका नाम है खजला, जो सीधे एक साल के बाद आप तक पहुंचती है। इन लोगों से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम, इस्लाम नाम है। ये कौन सी मिठाई है, क्या नाम है? इसका नाम खजला है। खजला बनाया जाता है, दाऊजी महाराज के मेले में मिलता है। दाऊजी महाराज के मेले मिलता है, क्या खासियत है? खासियत ये, जो भी आता है दुकानदार वो देखने के लिए, दाऊजी महाराज का मेले देखने के लिए, तो उसको पसंद करके हर आदमी लेके जाता है। हर आदमी पसंद करता है, हर आदमी पसंद करता है। अच्छा, इस मिठाई को हम अगर देखें तो ये गोल से चक्रम बनाई गई है, किस चीज से बनाई जाती है, कितना वक्त लगता है? ये रहता है, ये हाथ से बनाई जाती है, हाथ से बनाई है। मैदा बनाया जा, मैदा की बनाई जाती है। हाँ। और इसमें चाशनी चढ़ाई जाती है, चीनी, चीनी की चाशनी जी। पहले मैदा की लोई से बनाया जाता है, हाँ, घी में बनाया जाता है, उसके बाद में सेका जाता है घी से, और उसके बाद में चाशनी बनाई जाती है, चाशनी चढ़ाई जाती है, चाशनी चढ़ाई जाती है, तब जाके उसमें मिठास आती है, मिठास आती है। और हर हर आदमी व्यक्ति जो है चलते फिरता है उसको पसंद करता है। यानी जितने लोग मेले में आते हैं वो ये मिठाई जरूर लेके जाते हैं? बिल्कुल लेके जाते हैं सर, बिल्कुल लेके जाते हैं। ये दाऊजी महाराज का एक तरह का प्रसाद है, ये दाऊजी महाराज का एक तरह से प्रसाद है। जी जी, एक तरह का प्रसाद है, जो भी आता है हर व्यक्ति के हाथ में देखने थैली लगी हुई है। इस मिठाई को अगर मैं इस मेले आयोजन की बात खरीदना चाहूँ हाथरस से, तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, ये मिले ही नहीं मिलेगी, एक साल का इंतजार करें। यानी कि अगर मैं दाऊजी महाराज के मेले में इस मिठाई को नहीं ले पाया, नहीं खा पाया, तो मुझे एक साल इंतजार करना पड़ेगा, एक साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है मिठाई खजला, बेहद ही स्वादिष्ट और लोगों की पसंदीदा, जिसे आप चूकिएगा मत। अगर आप दाऊजी महाराज के मेले में आए हैं तो इस मिठाई का स्वाद जरूर चखिएगा, क्योंकि अगर आप चूक गए तो आपको फिर से एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। और हम इसको अब उनसे बात करते हैं जो इसको तैयार करते हैं, वर्षों से तैयार कर रहे हैं, वर्षों पुराना अनुभव है, ताकि आखिर बनाया कैसे जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रताप। प्रताप जी, कितने वक्त से ये बना रहे हैं? 50 साल हो चुकी मुझे। 50 साल से बना रहे हैं? हाँ, 50 साल हो चुकी बनाते हैं, और अखबारपुर का रहने वाला हूँ। तैयार कैसे होती है? ये तैयार मैदा मारी जाती है, फिर लोई से पत्र लगाया जाता है, तब फिर बेला, हाथ से बेला जाता है, ऐसे रोटी बनती है, कैसे बेले जाओ, सेके जाओ, और भाई मक्खन लो, और गर्म करके चाशनी चढ़ा दो। अच्छा, इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मैदा की लोई बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कई सारी परतें खुल रही हैं, वो उसका राज क्या है? पत्ते हैं, पत्ते लगाई जाती है, पराठे में पत्ते लगाई जाती है, ऐसे मान लो जनानी बनाती है तो 2 पत्ते का 3 पत्ते का 4 पत्ते का, ऐसी जिसमें पत्ते लगाई जाते हैं। यानी कि परतें लगाई जाती है तब जाके ये खुलती है। लोगों की क्या उम्मीद रहती है, कितना पसंद करते हैं? जब लोग इतने पसंद करते हैं कि जब जाएगा हरेक माह में इंतजार होता है, एक साल में हमारे यहाँ मेला लगेगा, और मेला लगेगा तो हमारे यहाँ खेला मिलेगा। दाऊजी महाराज की कृपा में ये आती है, एक साल का इंतजार करना पड़ता है यहाँ कि दाऊजी महाराज में दुकान लगानी है हमें। यानी कि अगर ये खजला खाना है तो एक साल इंतजार करिएगा? हाँ, एक साल पूरा इंतजार करो दाऊजी महाराज में, और दाऊजी महाराज के बाद में फिर एक साल 11 महीने के बाद में। यानी 11 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा एक महीने के आयोजन के बाद? हाँ। लोग घरों पर लेके जाते हैं? हाँ, घर में ले जाते हैं, मान लो 2 किलो 4 किलो अपने घर फ्रिज में लगा लेते हैं, तब आराम से खाते हैं। यानी कि लंबा रख के खाते हैं आपकी बनाई हुई मिठाई को, जिसका नाम है खजला। खजला, इस मिठाई का नाम है खजला, जो आपको हाथरस के दाऊजी महाराज मंदिर में ही मिलेगी, जिसका स्वाद, जिसकी मिठास लोगों को बेहद पसंद है। और इस मिठाई को खाने के लिए आपको दाऊजी महाराज के मेले में आना पड़ेगा, यानी कि हाथरस में आना पड़ेगा, और इस मिठाई का स्वाद चखना है,
और अगर आप चूके तो एक वर्ष का इंतजार भी करना पड़ेगा। इस तरह की मिठास भरी स्टोरी केवल ब्रज क्षेत्र से आ सकती है और ये ब्रज क्षेत्र की देवी कहा जाता है, हाथरस जनपद, हाथरस शहर, और ये हाथरस शहर में एक विशाल और भव्य आयोजन हो रहा है जिसकी मिठास भरी पहचान है ये मिठाई खजला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।